हेलो एवरीवन, कैसी है आप सबकी। देयर्स अ मिथ, देयर्स अ मैन, देयर्स अ लेजेंड कि एक इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं। आई बिलीव के साथ नहीं, छह होते हैं, क्योंकि उनमें से एक चेंके का गाना होता है। इनफैक्ट मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि मैं चेंके की तरह लगता हूँ। अब मैं चेंके की तरह स्मार्ट लगता हूँ या चाइनीज लगता हूँ, ये जरा मुझे आप कमेंट्स में बता देना प्लीज। स्मार्ट लगता हूँ तब ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको चाइनीज लगता हूँ तो फिर मैं आपको BTS भी लगता ही हूँ, और BTS लगता हूँ तो मैं आपको किम जोंग उन भी लगता हूँ। वाओ, मेरी इमेजिनेशन इतनी दूर तक जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये या आप कह सकते हो सरप्राइज ये है कि मेरा हमशक्ल पाकिस्तान से ही है। प्लेन में बैठने की क्या जरूरत है जब W11 ही आपको मंजिल तक पहुंचा रही है। डॉक्टर एजाज वारसी, माय हमशक्ल, माय लुक लाइक, माय डॉपलगैंगर। मुझे काफी मंथ पहले इनकी फोटो के नीचे किसी ने टैग किया था, एंड मैंने जैसे ही देखा आई वाज शॉक्ड। आई मीन ठीक है, लोगों के फीचर्स मिलते हैं, आंखें, नाक, फेस कट वगैरह, लेकिन साला इधर इधर तो ऐसा लग रहा था फोटो कॉपी कराई। हम लोग तो अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं ना, अस भाई लिटरली मी। मैंने डॉक्टर एजाज की फर्स्ट टाइम जब फोटो देखी, मेरे मुंह से एक्चुअल में ये निकला, लिटरली मी। डॉक्टर एजाज वारसी के नाम में डॉक्टर है, तो कॉमन सेंस की बात है वो क्या होंगे, रेडियो जॉकी। ओके जी, आई एम बैक, मैं आ चुका हूँ वापस, और आप सुन रहे हैं इस वक्त जैसे के साथ एक अमेजिंग शो 103 FM मस्त वन से। हमारे लिसनर्स हमारे साथ साथ हैं, हम मैसेज कर रहे हैं अजान भट्ट और कह रहे हैं बहुत ही आला शो है। थैंक यू अजान भट्ट, बहुत शुक्रिया ट्यून करने के लिए। मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे अक्सर मैसेजेस करके कहते हैं बहुत बेकार वीडियोस बना रही हो, थैंक यू सो मच, जस्ट किल योरसेल्फ। हमने इस वीडियो में देखा कि डॉक्टर एजाज को प्यार से जैजी बुलाया जाता है, जैजी के साथ एक बहुत ही अमेजिंग शो। ये मीडिया वालों के भी क्या सही निकनेम होते हैं ना, बेबो, शीला, मुन्नी, साला अपने इधर तो पप्पू, बुल्लड़, माजा, कोजा, पता नहीं क्या। बट डॉक्टर एजाज को अपना निकनेम काफी पसंद है, इतना पसंद है कि उनके पास सिम भी जैज की और उनका फेवरेट म्यूजिक भी जैज है। जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है, और आप लोग भी सुनते हैं और सर धुनते हैं और बहुत मजा आता है। आई नो दैट जैजी भाई है थोड़ा हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक आपको नहीं सुना, मैंने एक ही जैजी सुना है, एंड दैट इज जैजी बी। भैया लग गया सवेर दा रोन रोन किने पनती एदी तोन तोन। और मैं ऑसमली नाच रहा हूँ, बता आपको शो में इस वक्त मुझे डांसिंग का शौक हो रहा है। आई एम जस्ट डांसिंग विद द ट्यून्स टुनाइट। अरे हमारी तो नजर खराब होने के साथ है, शौक भी सेम है। आप सबको ये पता नहीं होगा, लेकिन मुझे बचपन से डांस का ज्यादा शौक था, सिंगिंग का बाद में हुआ। इतना शौक था कि मैं 3 साल की उम्र में गुम हो गया था और किसी अनजान की शादी में नाचते हुए मिला था। अदान, आपको मैं एडवांस में हैप्पी बर्थडे कह देता हूँ। वैसे हमने सवाल किया आपसे आज कि आपको आपका पहली बार याद है, उस शाम क्या हुआ था और उस शाम क्या हुआ या होने वाला था, यार बताइए ना जरा हमें भी क्या हुआ था उस शाम को। लेकिन आरजे तो बस डॉक्टर एजाज का पार्ट टाइम काम है ना, असल में तो जो उनका ऑक्यूपेशन है वो ही काम करेंगे। ऑब्वियसली जब नाम में डॉक्टर है तो उन्होंने टीवी होस्टिंग ही करनी है। गुड लुकिंग भी हो और मॉडल मॉडलिंग भी कर रहे हो और एक्टिंग में भी जाना चाहते हो, तो फिर ये दो आतिशा हो जाता है, क्या कहते हैं ना। बिल्कुल सही बात है, ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकते हैं जो खुद भी 2-3 काम एक साथ कर रहा हो। यार ये हम जैसी शक्ल वाले मल्टीटास्किंग जरूर करते हैं, मैंने नोट किया। और इस वीडियो में तो हमारी शक्ल के साथ साथ हमारी शर्ट भी सेम है। पापा शुरू से चाह रहे थे कि जो है इसको मैंने डॉक्टर ही बना रहा है, क्योंकि वो कहते थे कि तुम्हारी ज्यादा लुक जो है वो डॉक्टर जैसी भी है। तो पहले अब उनका ख्वाब तो पूरा हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना ख्वाब भी पूरा करूँ। डॉक्टर गुड लुकिंग हो तो मतलब अच्छा होता है इलाज। वाओ, उनके शो पे तो गेस्ट भी मल्टीटास्किंग वाले आते हैं, और ये बंदा तो मुझे ऐसा लग रहा है जैजी भाई को जैजी भाई की ही स्टोरी सुना रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अपना ख्वाब भी पूरा करूँ। जैजी भाई अपने शो पे कभी क्लासिज्म नहीं करते, वो हर टाइप के इंसान को बुलाते हैं, बिजनेसमैन, सिंगर, टिकटॉकर। उन्होंने एलेक्स भट्टी और काफी सारे टिकटॉकर्स को भी बुलाया। कब ख्याल आया कि मैंने ब्यूटी वर्क में जाना है? मैंने मुझे शुरू से ऐसी चीज का, लेकिन ये मैंने सीखा नहीं है सेल्फ थॉट से। हाँ, मुझे बहुत शौक था तो वो प्रैक्टिस कर करके कभी किसी भी दोस्त पे, कभी किसी दोस्त पे। वेरी गुड जैसी भाई, बट आप डॉक्टर किस चीज के हो? अब समझ आया, जैसी भाई दिल के डॉक्टर हैं, ही इज अ सिंप। अभी वैलेंटाइन पूछ रहे और ये सब देखना पड़ रहा है। बस यार, चिकन लेग पीस, 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 मसाला राइस।